दोस्तों, रूपा तिर्की हत्याकांड में बड़ी खबर आ रही है। रूपा तिर्की के परिवार वालों ने उनके साथी पुलिस वालों पर आरोप लगाया है कि वो टॉर्चर करते थे, और इसी वजह से टॉर्चर से परेशान होकर रूपा तिर्की ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है इस समय की। उनके परिवार वालों का यह भी कहना है किसी पंकज मिश्रा नाम के व्यक्ति ने उनका काफी शोषण किया, और शोषण करने की वजह से वो डिप्रेशन में गई और डर के मारे भाई सुसाइड कर लिया। भाई यार, ये हत्या है, सुसाइड, इसकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई की मांग चल रही है, सीबीआई जांच होगी तो इस केस में कई परतें खुल सकती हैं, और साफ साफ जाहिर है कि बड़े बड़े नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं, पुलिस के लोग भी इसमें मिले हुए हो सकते हैं, और बड़े बड़े नाम इसमें सामने आ जाएंगे दोस्तों। और झारखंड के मुख्यमंत्री से सब लोग मांग कर रहे हैं कि भैया आप सीबीआई जांच कीजिए, ताकि रूपा तिर्की, जो कि इतनी छोटी उम्र की एक होनहार महिला थी, होनहार आदिवासी महिला, जिसने गांव के खेतों से, आदिवासी बस्तियों से निकलकर एक इंस्पेक्टर बनी और अपनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंची, लेकिन बाद में सिस्टम से हार कर उसने आत्महत्या कर ली, और जिसकी वजह से ये शर्मनाक दिन देखने पड़ा कि एक पुलिसकर्मी ने आत्महत्या कर ली सिर्फ सिस्टम से हार कर। ये सचमुच में शर्मनाक घटना है। और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, भैया जनता की बात सुनिए और सीबीआई से जांच करवाइए, और जांच करवाने के बाद जितने भी आरोपी थे उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि दोबारा किसी पुलिसकर्मी या किसी भी हमारी बहन बेटी के साथ ये सब घटिया काम ना हो सके, ना उसका टॉर्चर हो सके, ना उसका शोषण हो चुके। दोस्तों, इस केस में आगे कोई अपडेट होगा तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।